वास्तव्यात आपण पाहतो की शासनच विविध उद्योगांना विविध सवलती पुरवतात, मात्र याउलट शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्यास शासनाकडे वेळच नाही। शेतकऱ्याच्या वाढत्या कर्जामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे। 9 एकर जमीन है मेरे पास, जिसमें से मैं 4 एकर में कपास लगाया था, बोंडवाड़ी गिरी, जिसमें मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मुझे खर्चा लागत वहाँ पे 80 से 85 हज़ार रुपये कपास को खर्चा आ गया। कपास निकली मेरी 15 से 20 क्विंटल, कपास का रेट नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उस वजह से मैंने कपास को उखाड़ के फेंक डाल दिया, बैल चरा लिया। फिर वहाँ से फिर मजदूर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, सब मिला के हमारा पूरा अब तक क्या है, 1,70,000 रुपये खर्चा, जिसमें से हमारे पास बने नहीं, खाली 10,000 भी नहीं बन सके हमारे पास। खाली हमारी बस न्यूज़ ले लेके बस हमको बस परेशान कर डाल दे रहे, खाली कुछ भी नहीं। आखिरी को हमारे को एक नहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर डाल दे रहे, और आत्महत्या करेंगे तो मजबूर कौन का होगा, यहाँ पर गरीब किसान ही होगा ना। सरकार से हमारे को अपेक्षा एक ही चाहिए, हमारे को अच्छे दिन लाते बोल के बोलना, बस हमारे को अच्छे दिन आना। नुकसान जो भी भरपाई है हर चीज़ की, बोंडाली की, चने की, और जो अपना सोयाबीन की, हर चीज़ की, टमाटे की, हर चीज़ की हमारे को एक नहीं भरपाई करना चाहिए। उन्होंने जो भी है नुकसान भरपाई हमारे को अप्रैल के अगले महीने में हमारे को मिलना चाहिए कम से कम, क्यों तो हम अगला सीजन में हमारे पास पैसा नहीं ना, सिवाय आत्महत्या के लिए। माझा व्हिडिओ बघणाऱ्याला मी अपील करते की शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला सुद्धा बाजारपेठेमध्ये हमी भाव मिळावा, त्याकरिता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कॉल करावा। त्यांचा नंबर आहे 2202-5151-51। मी कल्पना जवादे, यवतमाळ महाराष्ट्रातून, इंडिया अनर्ससाठी।